हमें ये वहां जीवित दिखाई पड़ती है। वहां नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ये चीजें वहां घटित हो गई। जब परमेश्वर स्वर्ग में जानता है कि मैं इस प्रचार मंच पर यही मर सकता हूँ, आपको आसपास थोड़ा सा चलना चाहिए। ये जबरदस्त है जब आप परमेश्वर को स्वर्ग से आते देखते हैं और लोगों के झुंड के सामने खड़ा होता है और वहां खड़े होकर अपने आप को घोषित करता है जैसे कि उसने कभी किया, और ये सत्य है और ये बाइबल खुली है, समझे, हम यहाँ पर हैं। And the denominational system is dead. It's gone. It'll never rise again. It'll be burned. That's what you do with the husk on the field. नामधारी व्यवस्था मर गई है, ये चली गई, ये अब फिर नहीं उठेगी, ये जल जाएगी। यही जो आप खेत में भूसे के साथ करते हैं। Flee from it. Get into Christ. Don't say, I belong to Methodist, I belong to Baptist, I belong to Pentecostal. You get into Christ. इससे भागो, मसीह में आ जाओ। ना कहें कि मैं मेथोडिस्ट से हूँ, मैं बैप्टिस्ट से हूँ, मैं पेंटिकॉस्टल से संबंध रखता हूँ। आप मसीह में आ जाएं। If you're in Christ, there's not a word written in here but what you believe. I don't care what anybody else says. And then God makes that thing manifest. यदि आप मसीह में हैं, तो यहाँ एक भी वचन लिखा हुआ नहीं है, सिवाय उसके जो आप विश्वास करते हैं। मैं चिंता नहीं करता किसने क्या कहा है, और फिर परमेश्वर चीजों को प्रकट करता है। When he pours the spirit upon the word, what happens is like putting water on any other seed. It'll live. And it'll bring forth of its kind. क्योंकि आप जब वो वचन पर आत्मा उंडेलता है, क्या घटित हुआ? वैसे ही जैसे किसी और बीज पर पानी डाला जाता है, ये जिएगा और ये अपने ही प्रकार को लेके आएगा। You say, I got the baptism of the Holy Ghost. That don't mean that you're saved. Not by a long ways. आप कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बच गए हैं, नहीं, दूर तक नहीं। Look here, you are a triune being. You are inside this little fellow here is a soul. The next is the spirit, and next is the body. इधर देखिए, आप त्रिएकता जीव हैं, आप यहाँ, इधर अंदर, ये छोटा व्यक्ति है, ये प्राण है, अगला आत्मा और अगला देह। Now you got five senses in this body to contact your earthly home. They don't contact the rest of it. अब इस शरीर में आपके पांच इंद्रियां हैं कि अपने संसारिक घर से संबंध स्थापित करें, ये बाकियों से संपर्क नहीं रखता। You got five senses of the spirit here, love and conscience and so forth of that. But in here is where you live. Amen. That's what you are. आपके पास आत्मा में पांच इंद्रियां हैं, यहाँ पर प्रेम और विवेक और आदि आदि, परंतु आप यहाँ से जीते हैं, यही जो आप हैं। Didn't Jesus say the rain falls on the just and the unjust? Put a cockle burr out here and a wheat out there and pour water on them and keep them under fertilized and things like that. Won't they both live by the same water? Sure. क्या यीशु ने नहीं कहा कि वर्षा धर्मी और अधर्मी दोनों पर बरसती है? कटीली झाड़ी यहाँ और गेहूँ यहाँ पर है, और उन पर जल डालें और उर्वरक पर रखें और इस प्रकार की चीजें, क्या वो दोनों एक ही जल से जीवित नहीं रहेंगे? निश्चय ही। Well, what is it? One of them will bear a cockle burr, because that's all he is. Amen. The cockle burr will raise his hands and shout, this is the same as the wheat. भई ये क्या है? उनमें से एक कांटे उगाएगा, क्योंकि वो कुल मिलाकर यही है। वो कटीला पौधा भी अपने हाथों को उठाकर वैसे ही चिल्लाता है जैसे गेहूं। Right. Don't the Bible say in the last days there shall come false Christ? That's right. Not false Jesus now. Amen. False Christ, anointed ones. Amen. Falsely anointed to the word. Denominational anointed, but not to the word. क्या बाइबल नहीं कहती कि अंत के दिनों में झूठे मसीही आएंगे, ना कि झूठे यीशु? अब झूठे मसीही, अभिषिक्त वचन पर झूठे, अभिषिक्त नामधारियों से अभिषिक्त किए हुए, परंतु वचन के लिए नहीं। For the word will bear record of itself. It don't need nothing else. It'll bear record to itself. क्योंकि वचन अपने में ही गवाही रखता है, इसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं में ही गवाही रखता है। And there will come false anointed ones. You got my tape on that. और वहाँ झूठे अभिषिक्त आएंगे, इस पर आपके पास मेरा टेप है। And that anoint, or if you call them and say,
Oh, are you a Jesus? Oh, certainly not. They wouldn't stand for that. But when it comes to an all glory, I got the anointing, and it's a genuine anointing. और यदि आप उनमें से किसी एक से कहें, ओ आप क्या आप यीशु हैं? ओ निश्चय ही नहीं, वो इसको हाँ नहीं कहेंगे। परंतु जब ये इस पर आता है, ओ महिमा हो, मेरे पास अभिषेक है, ये वास्तविक अभिषेक है। Remember, Caiaphas has had it too and prophesied. Amen. So did Balaam have it and prophesied, but that don't have to do with this inside. स्मरण रखें, कैफा के पास भी यही था और भविष्यवाणी की, ऐसी बालाम के पास था और भविष्यवाणी की, परंतु इसका यहाँ अंदर से कुछ भी लेने देना नहीं। Unless that was God's seed, his gene from the beginning, predestinated, you're finished. जब तक कि ये परमेश्वर का बीज ना हो, आरंभ से ही उसका जीवांश ठहराया हुआ, आप नष्ट हैं। I don't care how much you shout, speak with tongues, run, shout, that has nothing to do with it. मैं चिंता नहीं करता कि आप कितना चिल्लाते और भाषाओं में बात करते हैं, दौड़ते और चिल्लाते, इससे कुछ भी लेना देना नहीं। A Kuckleberg can count this as much as the rest of them. I've seen heathens raise and shout and speak in tongues and drink blood out of a human skull and call them the devil. See? एक गोखरू को उन बाकियों के साथ ही गिना जा सकता है। मैंने मूर्ति पूजकों को उठते और चिल्लाते देखा है और नर कंकाल की खोपड़ी से लहू पीते देखा और शैतान को बुलाते हैं, समझे? So you don't all them sensations and things, forget it. It's your heart and that word and that's Christ. इसलिए आप कोई भी संवेदनाएं और चीजें इसे भूल जाएं, ये आपका हृदय वचन में और वो मसीह में। Breathing there and watch it make itself known just as it opens up like any other seed and declares itself for the age it's living in. अंदर लाएं और देखें और इसे प्रकट होने दें, बस वैसे ही जैसे कोई बीज खुलता है और उस युग के लिए अपने को घोषित करता है, ये उसमें जीवित है। Luther could bring nothing but spring. These others could bring these other things. We're in a wheat age now. लूथर किले को छोड़ और कुछ नहीं ला सकता था, ये दूसरी दूसरी चीजों को ला सकते थे, हम लोग अब गेहूं के युग में हैं। Luther's genuine Luther's had to bring forth genuine Luther. Genuine Pentecost had to bring genuine Pentecost. It's all, but we're past that age and going on. Luther का मूल, Luther को वास्तविक Luther उत्पन्न करने थे, मूल Pentecostal को वास्तविक Pentecostal ही लाने थे, बस यही है, परंतु हम उस युग से आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। You know the Catholic Church started out the Pentecostal? And if the Pentecostal Church is stand 2,000 years to be worse shape what Catholic is now. So exactly. आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया पेंटिकॉस्टल पर आरंभ हुई थी, और यदि पेंटिकॉस्टल कलीसिया 2000 वर्षों तक टिकी रहती तो ये कैथोलिक से जो आज है उससे अधिक बुरी दशा में होते, ये बिल्कुल ठीक बात है। I say it to my brother, my sisters who I love, and God knows that, but remember friends, I got to beat you under the judgment. And that will not be too long. I've got to bear record of what's the truth. मैं ये अपने भाई अपनी बहन जिनसे मैं प्रेम रखता हूँ कहता हूँ, और परमेश्वर ये जानता है, परंतु मित्रों याद रखें, मुझे वहाँ आपसे न्याय पर मिलना है, और हो सकता है कि अधिक समय ना लगे, जो कि सत्य है, मुझे उसकी गवाही देनी है। When I went forth into the meetings with you, praying for the sick, it was fine. But when I come with a message, जब मैं आपके साथ प्रार्थना सभाओं में गया बीमारों के लिए प्रार्थना करने को, ये अच्छा था, परंतु जब मैं संदेश के साथ आया, If any message goes forth, it's a true message. If it's a true, genuine miracles of God and hangs right in that organization, you know it's not of God. Well, that thing's already declared. यदि कोई संदेश आगे बढ़ता है, तो ये सच्चा संदेश है। यदि ये सच्चा है, वास्तविक परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हैं और उस संस्था में बने रहते हैं, क्योंकि यही चीज पहले ही घोषित हो चुकी है। Jesus went forth and healed the sick in order to catch the eyes of people. Then his message. That's right. यीशु ने जाकर और बीमारों को चंगा किया ताकि वो लोगों का ध्यान आकर्षण कर सके, फिर उसका संदेश, ये ठीक बात है। It has to have something that God's going to introduce the divine healing and miracles like that just catch the eyes of the people. The main heart of it is the message. That's what is what comes from in here. तो ये कुछ होना चाहिए जिससे परमेश्वर परिचय कराना चाहता है, वो केवल दिव्य चंगाई, उसके इस प्रकार के आश्चर्य कर्म लोगों का ध्यान खींचते थे, लेकिन इसका केंद्र वो संदेश है, यही जो है जिसे अंदर की ओर आना है। He's trying to get the favor of the people so they'll sit and listen to him. See, for there's some in there that's ordained to life. वो लोगों का पक्ष प्राप्त करना चाहता था, इसलिए वे बैठकर उसकी सुनेंगे, देखिए, क्योंकि वहाँ कुछ है जो जीवन के लिए अभिषिक्त है। Some of the
rain, wheat fell on ground, and the birds picked it up, and others fell amongst thorns, and some was went on prepared ground, pre-prepared ground, and brought forth. कुछ गेहूं के दाने भूमि पर गिरे और चुड़ियों ने उसे चुग लिया, दूसरे झाड़ियों में गिरे और कुछ तैयार भूमि में गिरे, पहले से तैयार भूमि में, और फल लेकर आए. Now, the first thing is the sounding, the first thing is a trumpet, and or the voice, a shout, then a voice, and then a trumpet. अब ये पहली चीज है ललकार, पहली चीज तुरई, और या एक आवाज, एक ललकार, और फिर एक शब्द, और फिर एक तुरई. Shout a messenger getting the people ready. ललकार, एक संदेश लोगों को तैयार करना. The second is the voice of the resurrection, the same voice, that a loud voice in St. John 11:38 and 44 that called Lazarus from the grave. दूसरा, जिला उठाने का शब्द, वही आवाज, जोर की आवाज जो संत यूहन्ना 11:38-44 में है, जिसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया. Getting the bride together and then the resurrection of the dead. To be caught up with it. Watch the three things take place. दुल्हन को एक साथ जमा करने को और मृतकों का पुनरुत्थान. देखा कि इसके साथ ऊपर उठाए जाएं. अब ध्यान दें, तीन चीजें घटित होती हैं. The next is what? Was a trumpet. A voice, a shout, a voice, a trumpet. अगला क्या है? तुरही थी, एक आवाज, एक ललकार, एक शब्द, एक तुरही. Now the third thing is a trumpet, which always at the feast of trumpets is calling the people to the feast. And that'll be the bride's supper, the lamb's supper with the bride in the sky. अब तीसरी चीज तुरही ही है, जो कि सदा तुरही के पर्वों पर है, लोगों को पर पर बुलाती है, और ये दुल्हन का भोज होगा, मेमने का भोज, दुल्हन के साथ आकाश में. See, the first thing comes forth is his message, calling the bride together. The next thing is the resurrection of the sleeping bride, the one who's died back in the other ages. They're caught together, and the trumpet, the feast, in the heavens, in the sky. समझे? पहली चीज जो आती है वो उसका संदेश है. दुल्हन को साथ जमा करते हैं. अगली चीज, सो ही दुल्हन का पुनरुत्थान, वो जो पीछे के युगों में मर गए थे, वे एक साथ मिलकर उठा लिए गए, और तुरही, स्वर्ग में एक पर्व, आकाश में. Why, that's the thing that takes place, friends. We're right there, ready now. The only thing the church coming out has got to lay before the sun to ripen. क्यों मित्रों, यही चीज है जो घटित होती है. हम ठीक वहाँ पर हैं, अब तैयार हैं, केवल एक ही चीज की, कलीसिया बाहर आ रही है, पकने के लिए पुत्र के सामने है. The great combine will come by after a while. The wheat will be burned, the stalks, but the grain will be gathered into its garner. See, you're not blind people. You're sensible people. एक बड़ा जमघट होगा थोड़ी देर के बाद. गेहूं जल जाएगा, वो डंठल, परंतु बीज खत्ते में जमा किया जाएगा. समझे? आप लोग अंधे नहीं हैं, आप लोग समझदार हैं. And if I stood here and said those things for prejudice, I say it because it's life, because I'm responsible to God for saying it, and I must say it. और यदि मैं यहाँ खड़े हुए इन बातों को पूर्वग्रह से कहूँ, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये जीवन है, क्योंकि इन बातों को कहने के लिए मैं परमेश्वर के सामने उत्तरदायी हूँ, और मुझे ये कहना ही चाहिए. And my message all the time, knowing back there under healing and so forth like that, was just to catch the people's attention. Knowing the message would come. And here it is. और मेरा संदेश जानते हुए मेरा सारा समय वहाँ चंगाई में और आदि आदि, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित करूँ, जानते हुए कि संदेश आएगा, और अब ये यहाँ पर है. And them seven seals open those mysteries and showing those things is what's happened. I didn't know it. और वे सात मोहरें खुल गई हैं, वे भेद, और उन चीजों को दिखा रहा है जो घटित हुई, मुझे नहीं मालूम था. But this man standing right here now was standing right with me when y'all heard me preach that sermon. Sirs, what time is it? परंतु यहाँ एक मनुष्य ठीक इस समय यहाँ खड़ा है, जो मेरे साथ तब खड़ा था जब मैंने श्रीमानो ये कौन सा समय है ये संदेश प्रचार किया था. That morning, exactly where it said it would be, there stood seven angels standing right there from heaven. उस प्रातः ठीक जहाँ ये कहा गया कि ये होगा, ठीक वहाँ पर स्वर्ग से सात स्वर्गदूत खड़े थे. And as they went up, and that whirlwind taking them up there, we stand and watch as they went away. Signs took a picture of it all the way across the nations down into Mexico. और जैसे वे उस चक्रवात में से होकर ऊपर गए, हम देख रहे थे, वे चले गए, विज्ञान ने उनका चित्र लिया सारे राष्ट्रों में होते हुए और नीचे मेक्सिको में. And there when I
और वहाँ एक दिन जब मैं देख रहा था, जब मैंने सात कलीसियाई युग प्रचार करना आरंभ किया और मैंने जैक मूर को बुलाया, एक महान धर्म विज्ञानी। Who is this person standing there? There's one like the Son of Man standing there. Hair is white as wool. मैंने कहा ये व्यक्ति वहाँ कौन खड़ा है? वहाँ एक मनुष्य के पुत्र के समान खड़ा है। उसके बाल ऊन के समान श्वेत हैं। I said he was a young man. How could he have hair as white as wool? He said, Brother Branham, that was his glorified body. That didn't ring the bell. मैंने कहा वो एक युवा पुरुष है। उसके बाल ऊन के समान कैसे श्वेत हो सकते हैं? उसने कहा भाई ब्रैनम, ये उसकी महिमामय देह थी। ये कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ा। परंतु जब मैं कमरे में गया और प्रार्थना करनी आरंभ की और उसने मुझे बताया कि ये क्या था, समझे? मैंने सदा ये प्रचार किया है कि वो एक देवत्व है, न कि एक पुरुष। वो परमेश्वर था जो देह में प्रकट हुआ। God, the attribute of God, of love, the great attributes that come down displayed here on earth, of God. परमेश्वर, परमेश्वर का गुण, प्रेम का, वो महान गुण, जो यहाँ नीचे उतरा और परमेश्वर को यहाँ प्रदर्शित किया कि परमेश्वर। Jesus was God's love, which built a body that Jehovah Himself lived in. He was the fullness of the Godhead bodily. यीशु परमेश्वर का प्रेम था, जिसने एक देह को बनाया, जिसमें यहोवा ने स्वयं वास किया। वो देह में परमेश्वर की परिपूर्णता था। What God was, he manifested through that body. That body had to die so he could wash the bride with his blood. परमेश्वर क्या था? उसने देह के द्वारा प्रकट किया और उस देह को मरना था ताकि वो दुल्हन को अपने ही लहू के द्वारा धो सके। And notice, not only is the bride washed, forgiven, but she's justified. और ध्यान दें, केवल दुल्हन को ही नहीं धोया, क्षमा किया, परंतु वो न्यायोचित ठहरी, समझे? क्या आपने कभी न्यायोचित, जस्टिफाइड शब्द पर कोशिश की कि देखें इसका क्या अर्थ है? Now, for instance, if Brother Green heard that I'd been drinking, I'd been doing bad things, then he found out that I didn't do it, then he comes say, I forgive you, Brother Branham. You forgive me? I never done it. What are you forgiving me about? अब उदाहरण के लिए, यदि भाई ग्रीन ये सुने कि मैं शराब पी रहा था, मैं बुरे कार्य कर रहा था और तब उन्होंने ये उन्हें ये मालूम पड़े कि मैंने ये नहीं किया, तब वो आकर कहें, भाई ब्रैनम, मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दें, मैंने ये कभी किया ही नहीं, तो आप मुझे किस विषय में क्षमा कर रहे हैं? But if I'm guilty, then I can be forgiven, but I'm still not just because I did it. समझे? परंतु यदि मैं दोषी हूँ तो मुझे क्षमा किया जा सकता है, परंतु मैं अब भी धर्मी नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। But the word justified is though you never done it at all. Amen. Justified. परंतु justified, न्यायोचित शब्द कि आपने ये कभी किया ही नहीं, निर्दोष, न्यायोचित। And then the blood of Jesus Christ cleanses us so from sin till it's put in the book of God's forgetfulness. He's the only one can do it. और फिर यीशु मसीह का लहू हमें पाप से शुद्ध करता है, जब तक कि ये परमेश्वर की भूल जाने वाली पुस्तक में ना डाल दिया जाए। वही केवल एक है जो ये कर सकता है। हम नहीं कर सकते, हम क्षमा कर सकते हैं परंतु भूल नहीं सकते। मैं आपको क्षमा कर सकता था परंतु मैं आपको सदा स्मरण रखूंगा कि आपने ये बुरा कार्य किया है, तब आप धर्मी नहीं, आप क्षमा कर दिए गए। But in the sight of God, the bride is justified. She never done it in the first place. Amen. परंतु परमेश्वर की दृष्टि में दुल्हन न्यायोचित है, दोष मुक्त है, उसने ये कभी किया ही नहीं, आरंभ से ही नहीं। आमीन। Standing there married to the virtuous Son of God, never sinned in the first place. Why? She was foreordained. She was tripped into this. वहाँ खड़े हुए परमेश्वर के सद्गुणी पुत्र से ब्याहे गए, आरंभ से कभी पाप किया ही नहीं। क्यों? वो पहले से ठहराई गई है, उसे इसमें फंसाया गया था। And now, when she heard the truth and come forth, the blood cleansed her.
And she stands there virtuous. She's no sin on her at all. और अब जब से उसने सत्य को सुना और आई, लहू ने उसे शुद्ध कर दिया और वो धर्मी वहाँ खड़ी है, समझे? वो उस पर कोई पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं। Therefore, the message calls the bride together. See, the shout and the trumpet. इसलिए संदेश दुल्हन को जमा होने के लिए बुलाता है, देखिए, ललकार और तुरही। The same one with a loud voice. He screamed out with that shout and voice and woke Lazarus. With a loud voice he cried, Lazarus, come forth. Amen. See? And the voice wakes up the sleeping bride, sleeping dead. वही एक है, वो ऊंचे स्वर से वो ललकारा और आवाज के साथ चिल्लाया और लाजर को जगा दिया। वो ऊंची आवाज से चिल्लाया, लाजर बाहर आ, समझे? आवाज जगाती है, सोती हुई दुल्हन को जगाती है, मरे हुए सो रहे हैं। And the trumpet, the sound of the trumpet, and when it does, it calls always a trumpet called Israel to the feast of the trumpets. और तुरही की आवाज, और जब ये होता है, ये बुलाती है, तुरही सदा से इसराइल को तुरहियों के पर में बुलाती है। See, which was a Pentecostal feast, the great feast in the sky, and the feast of the trumpets, and now a trumpet denounced a calling together, coming to the feast. And now that is the Lamb's Supper in the sky. समझे? जो कि पेंटिकोस्टल का पर्व है, आकाश में एक महान पर्व और तुरहियों का पर्व, और अभी एक तुरही जमा होने को दोषी ठहराती है, पर में आओ, और अब ये आकाश में मेमने का भोज है। Now watch this assembling together and the bride, the feast of the trumpets, the wedding supper. We have seen it in types. Now watch just a moment before we close. Notice, we've seen it in types. अब ध्यान दें, एक साथ जमा होना और दुल्हन, तुरहियों का पर्व, विवाह का भोज, हमने इसे प्रतीक में देखा है। अब थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, इसके पहले कि हम बंद करें, ध्यान दें, हमने इसे प्रतीकों में देखा है। Now, if you want to read in Matthew 18:16, it says these three that bear record, see, and 1 John 5:7, and so forth. अब यदि आप मत्ती 18:16 में पढ़ना चाहते हैं, इसमें कहा है, वे तीन जो गवाही रखते हैं, देखिए संत, पहला यूहन्ना 5:7 में और आदि आदि। Three is always a witness. Is that right? It's a verification. Something that's right. Three witnesses bear in the mouth of two or three witnesses, let every word be established. तीन सदा एक गवाह होते हैं, क्या ये ठीक बात है? ये एक जांच है, कुछ ऐसा जो ठीक है, तीन गवाही रखते हैं, दो या तीन के मुख से गवाही पर हर वचन स्थापित हो जाए। Now notice we've had three witnesses. Three is a witness. Now we've already had three raptures in the Old Testament. Did you know that? As a witness. अब ध्यान दें, हमारे पास तीन गवाह थे, तीन गवाह हैं। अब पुराने नियम में हमारे पास पहले ही तीन उठाया जाना है, यानी रैप्चर। क्या आपको ये मालूम है, एक गवाह के समान? Now watch. Enoch was one, Elijah was the other, and Jesus was the other. अब ध्यान दें, एक हनोक था, दूसरा वाला एलिया, और यीशु दूसरा वाला था। Jesus being the keystone now, he bear record, see, he was the keystone between the Old and New Testament, because he had to first die and then rapture. यीशु मुख्य प्रधान होने के नाते, वो गवाही रखता है, समझे? वो पुराने और नए नियम के बीच में मुख्य प्रधान है, क्योंकि पहले उसे मरना है और फिर उठा लिया जाना। He died, come to life, walked around here with us, and then was raptured up, because he was the keystone that tied the two together. वो मरा, जीवित हुआ और हमारे साथ चारों ओर घूमा और फिर उठा लिया गया, क्योंकि वही मुख्य प्रधान था और दो को एक साथ जोड़ा। After his resurrection rapture, look, after he did that and proved that the Old Testament there, we all know Enoch was translated. उसके जी उठने और उठा लिए जाने में, देखिए, इसके बाद जब उसने ये किया, उसने उस पुराने नियम को सिद्ध कर दिया, जब सब हनोक को जानते हैं कि वो रूपांतरित हो गया था। We know Elijah was taken up by whirlwind, that ran and chariot of fire, and Jesus died, buried, rose up and lived here on earth, and then was raptured up. The keystone. There's three to bear record. Is that right? हम जानते हैं कि एलिया बवंडर के द्वारा उठा लिया गया, ये ठीक बात है, आग के रथ में, और यीशु मरा, गाड़ा गया, जी उठा और यहाँ पृथ्वी पर रहा और फिर उठा लिया गया। वो मुख्य प्रधान वहाँ तीन हैं जो गवाही रखते हैं, क्या ये ठीक बात है? Now, there has been one rapture already passed. You know that? अब एक उठा लिया जाना पहले ही हो चुका है,
आप ये जानते हैं? Let's see if we can't read it right quick. Let's get Matthew, the 27th chapter, and let's get about the 45th verse of the Matthew, the 27th chapter. Let's see if we can't get that right quick and see if we can't get just a little bit out of this would help us right quickly. अब चलिए देखें, यदि हम इसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते, आइए मत्ती का 27वां अध्याय निकालें और इसका 45वां पद. मत्ती का 27वां अध्याय, चलिए यदि हम इसे जल्दी से ना निकाल सकें, और देखिए यदि यदि हम इसमें से कुछ ले पाएं तो ये हमारी सहायता करेगा जल्दी से. 27:45, I believe I got wrote down here. Let's read. 27:45, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आइए पढ़ें. Now, from the sixth hour, there was darkness over all the land until the ninth. छठवें घंटे से लेकर नवे घंटे तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा. And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani?" नवे घंटे के लगभग यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है. And straightway one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave it to him to drink. उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया. The rest said, "Let us see where Elias will come and save him." औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं. Jesus, when he had cried with a loud voice, yielded up, loud voice, watch. तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए. एक चिल्लाहट, बड़ी आवाज, ध्यान दें. When Jesus dying, screamed with a loud voice, yielded up the ghost. जब यीशु मरा, वो बड़े शब्द से चिल्लाया, प्राण छोड़ दिए. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake and the rocks did rent. और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया, धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं. And the graves were open, and many of the bodies of saints slept or rose. और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी. And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए. One rapture is past. एक उठा लिया जाना हो गया है. Three is happening in the Old Testament. Of them prepared who the word of the Lord came to. See? तीन पुराने नियम में हुए उनका जो तैयार थे, जिनके पास प्रभु का वचन आया, समझे? The word of the Lord came to Enoch. The word of the Lord came to Elijah's prophet. See? The word of the Lord was Jesus. See? प्रभु का वचन हनोक के पास आया, प्रभु का वचन एलिया के पास आया, वो एक भविष्यद्वक्ता था, समझे? प्रभु का वचन यीशु था, समझे? Watching the Old Testament, them Old Testament saints now, when this rapture first had taken place. पुराने नियम में ध्यान दें, वे पुराने नियम के संत लोग अब, जब पहले ये उठा लिया जाना हुआ. Notice verse 50, his loud voice awakened the Old Testament saints just exactly like the loud voice awakened Jesus, or awakened Lazarus. Amen. See, a loud voice awakened. अब ध्यान दें, 50वां पद, उसकी चिल्लाहट ने पुराने नियम के संतों को जगा दिया. ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी ऊंची आवाज से यीशु को जगाया, यानी लाजर को जगाया, समझे? ऊंची आवाज ने जगा दिया. And the second is fulfilled in 2 Thessalonians, the fourth chapter. Let's just take a read. We just read a few minutes ago. See? और दूसरे थिस्सलुनीकियों में पूरा होता है, चौथा अध्याय. आइए इसे पढ़ें. हमने अभी कुछ मिनटों पहले पढ़ा है, समझे? I would not have you ignorant, brethren, concerning those asleep, sorry not even. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं. 1 Thessalonians 4:12-18, that will be the second rapture. The second rapture will be the catching away of the bride. ये पहला थिस्सलुनीकियों 4:12-18, ये दूसरा उठा लिया जाना होगा. दूसरा उठा लिया जाना, दुल्हन का उठा लिया जाना है. The Old Testament saints has gone into his presence, paradise done away. पुराने नियम के संत लोग उसकी उपस्थिति में चले गए, स्वर्गलोक समाप्त हो गया. And the Old Testament saints have stood up at his loud voice when he screamed to give up the ghost, because why? The sacrifice, the propitiation of their sins that they'd waited on, believing that perfect lamb was coming.
और पुराने नियम के संत ऊपर चले गए उसकी तेज आवाज से, जब वो चिल्लाया और अपना प्राण दे दिया, क्योंकि क्यों बलिदान उनके पापों का प्रायश्चित है जिसकी उनको प्रतीक्षा थी। विश्वास किया कि सिद्ध मेमना आ रहा था। उन्होंने बलिदान का मेमना चढ़ाया और जब वो मर गया और अपना प्राण छोड़ दिया, वो बड़े शब्द से चिल्लाया और पुराने नियम के संत लोग जाग उठे। यह ललकार और शब्द पर ध्यान दें, उसके आगमन पर यही चीजें हैं, समझे? प्राण दे दिया और जब उसने ये किया तो ये सिद्ध बलिदान था और स्वर्ग लोक खाली हो गया। And the Old Testament saints came to the earth again, walked around on earth and entered in with him at his rapture. और पुराने नियम के संत फिर से पृथ्वी पर आ गए, इस पृथ्वी पर घूमे फिरे और उसके उठा लिए जाने पर उसके साथ प्रवेश किया। David said, "Lift up ye everlasting gates and be ye lifted up. He led captive captain give gifts unto man." And the Old Testament saints went in with him. दाऊद ने वहां कहा, तुम सदाकाल के द्वारों ऊपर उठ जाओ। वो उठते हुए वो बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। पुराने नियम के संत उसके साथ अंदर चले गए। He said, "Who is this King of Righteousness, the Lord of Glory, Mighty and Host, Mighty Host?" उन्होंने कहा, धार्मिकता का राजा कौन है? महिमा का प्रभु, सेना में सामर्थी, सेना में सामर्थी। Here they come in marching, Jesus led captive captive. Here it comes to the Old Testament saints. यहाँ ये कदम ताल करते हुए आते हैं, यीशु बंधुआई को बांध ले गया और यहाँ पुराने नियम के संतों के साथ आता है। And one of the new gates up there said, "Lift up ye everlasting gates and be ye lifted up and let the King of Glory come in." और उन नए दरवाजों में चला गया और कहा, तुम अनंत दरवाजों ऊपर उठ जाओ और महिमा के राजा को अंदर आने दो। The voice came from the inside said, "Who is the King of Glory? The Lord mighty in battle." भीतर की ओर से शब्द आया, कहा, महिमा का राजा कौन है? युद्ध में प्रभु सामर्थी। दरवाजे खुल गए और यीशु एक जैवंत बंधुआई को बांध ले गया। वे जिन्होंने उस पर विश्वास किया और वचन उनके पास आया, वहाँ पुराने नियम के संत वहाँ लेटे हुए प्रतीक्षा कर रहे थे, वो बंधुआई को बांध ले गया। ऊंचे पर चढ़ा, पुराने नियम के संतों को लिया और भीतर चला गया, एक उठा लिया जाना हो चुका। The next rapture takes place is 2 Thessalonians for the church, the bride, to be resurrected, to be raptured into glory. अगला उठा लिया जाना दूसरे थिस्सलुनीकियों में होता है, कलीसिया के लिए दुल्हन को जिलाया जाना ताकि महिमा में उठाई जाए। We which are alive and remain, that's the bodies left on earth, will not prevent or hinder them which are asleep. For the trumpet of God shall sound first, and the dead in Christ shall rise. See? And we which are alive and remain shall caught up together with them. हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे, ये देह पृथ्वी पर छूट जाएंगी, उन्हें जो सोते हैं उनसे आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरी पहले फूकी जाएगी और मसीह में मरे हुए जी उठेंगे, समझे? और हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके संग उठा लिए जाएंगे। उस दिन मैं सड़क के कोने पर खड़ा था और मैं खड़ा हुआ था, मैं सड़क पर खड़े हुए देख रहा था उस सेना दिवस की परेड को, और जब वो आगे बढ़ी सड़क पर पहुंची, मैं वहां अपने छोटे लड़के जोसेफ के साथ खड़ा था। There come the first was the old first war tanks come by, little old tanks. After that come the great Sherman tanks of the new war, the great cannons with their muzzle blast, a muzzle brake on them, so forth. वहां पहले बड़े विश्व युद्ध के टैंक आए, पुराने टैंक, उसके बाद शेरमन टैंक नए युद्ध के, और बड़ी बड़ी तोपें अपनी नाल के साथ, उनकी नाले टूटी हुई और आदि। the soldiers, the gold star mothers and
then there come a float with the on down, and when I was down there come a float, and on the front of it was a grave to the unknown soldier. उसके बाद सिपाही आए, सुनहरे सितारों वाली माताएं, और फिर वहां नावें आई, और इसके सामने की ओर कब्र थी उन अज्ञात सैनिकों की. There stood a soldier standing there, guard at the grave. There stood a marine on the other side and a sailor on the other side, and there's a petition drawn. And on the other side sat a gold star mother. She'd lost her boy. और वहां पर सिपाही खड़ा हुआ था कब्र की सुरक्षा में, दूसरी ओर पनडुब्बी और एक नाविक दूसरी ओर, और वहां एक विभाजन था, और एक सुनहरे तारे वाली माँ बैठी थी, उसने अपना लड़का खो दिया था. There stood a young wife with her head over on a table crying. A little ragged boy sitting sideways and the tears running out of his face. He'd lost his daddy. वहां एक युवा पत्नी खड़ी थी, अपना सिर टेबल पर रखकर रो रही थी. एक फटे पुराने वस्त्र पहने लड़का एक और बैठा था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसने अपना पिता खो दिया था. मैंने सोचा क्या ही दुख भरा है, मैं यहाँ खड़े हुए देखता हूँ, उन्हें देखता हूँ, वहाँ बूढ़े कुछ थोड़े से सिपाही बचे हैं, वहाँ जा रहे हैं अपाहिज और बूढ़े इस प्रकार के, अपने यूनिफॉर्म के साथ परंतु घमंड के साथ दिखा रहे थे क्योंकि वे अमेरिकन थे. I thought, oh my God, one day there will come a blast from heaven, and the dead in Christ shall rise first. मैंने सोचा, ओ मेरे परमेश्वर, एक दिन स्वर्ग से एक धमाका आएगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे. Them Old Testament saints back under her awaiting a blast forth and come out of there first and go into the resurrection. We'll drop right in line going into the skies, and these old mortal bodies changed and made like unto His own glorious body. वे पुराने नियम के संत वहाँ पीछे जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, धमाका होगा और वहाँ वो पहले आ जाएंगे और पुनरुत्थान में चले जाते हैं, और स्वर्ग में जाने के लिए हम पंक्ति में आ जाएंगे. ये पुरानी मरणहार देहें बदल गई और उसकी महिमा में देह में बदल गई. What a parade that'll be when it starts heavenward some of these days in that rapture in time that lays ahead. ये परेड क्या ही होगी जब ये स्वर्ग की ओर आरंभ होगी इन्हीं किन्हीं दिनों में, उस उठा लिए जाने के समय में जो आगे है. Oh, proudly displaying the blood of Jesus Christ upon their chest, the message of God in the hour that they lived in. That's the hour that we're looking forward to, brother. ओ घमंड के साथ यीशु मसीह के लहू को सीने पर दर्शाते हुए, समय का संदेश जो परमेश्वर का है जिसमें वे जिए, वो घड़ी जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई. Looking, just in closing now, the second resurrection, well, first one's passed. The second one is at hand right now. We'll come to hand out. अब समाप्त करते हुए देखें, दूसरा पुनरुत्थान सब, पहला बीत गया, दूसरा होने को है, अब इसी समय में, अब जल्द ही आ जाएगा. Now the third one is the two witnesses of Revelations 11:11-12, which these are the ones that turns back with the Spirit of Christ to witness to the Jews like Joseph did to his brethren. अब तीसरा वाला, दो गवाह प्रकाशित वाक्य 11:11 और 12 के, जो कि ये वाले जो बदल देते हैं मसीह के आत्मा से कि यहूदियों में गवाही दें, जैसा यूसुफ ने भाइयों के साथ किया. And you remember their dead bodies laid in the street for 3 days and a half, and the spirit of life came into them, and they were raptured, taken up into heaven. और स्मरण रखे, उनकी मरी हुई लोथें 3.5 दिनों तक पड़ी रहीं, तब जीवन का आत्मा उनमें समा गया और वे उठा लिए गए, स्वर्ग में उठा लिए गए. There's your 3 raptures of the New Testament, 3 raptures of the Old Testament. All of them passed. Now we're ready, waiting for the raptures of the rapture of the saints. It's been spoken. And so shall it be. ये आपके तीनों रैप्चर यानी उठा लिए जाना है, नए नियम का है, 3 उठा लिए जाना, पुराने नियम के वे सारे बीत गए. अब हम तैयार हैं, उठा लिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, संतों का उठा लिया जाना ये बोला गया है और ये होगा. When God says anything, all heavens and earth will pass away, but that word will never fail. परमेश्वर कुछ भी कहता है, सारे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु वचन कभी असफल नहीं होगा. When God said back there in Genesis 1, He said, "Let there be light." It might have been hundreds of years before there's any light. जब परमेश्वर ने वहाँ पीछे उत्पत्ति में कहा, उसने कहा उजियाला हो जाए, इसमें सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं इसके पहले कि उजियाला हो.
He said, let there be a palm tree, let there be an oak tree, let there be a desert, let there be a mountain, let there be this. उसने कहा ताल का पेड़ हो जाए, बांज का पेड़ हो जाए, रेगिस्तान हो जाए, पहाड़ हो जाए, ये हो जाए. He spoke it. You see, and as long as it went out of his mouth in a word, it has to be manifested. It has to be. आप देखिए, उसने बोला और जैसे ही ये उसके मुंह से निकला वचन में, इसे प्रकट होना ही है, इसे होना है. When, then one day he called his people out and he spoke to a man named Moses by a pillar of fire, a light, holy, sacred fire. तब एक दिन उसने अपने लोगों को बुलाया और वो एक मनुष्य से बोला जिसका नाम मूसा था, उस अग्नि स्तंभ के द्वारा एक ज्योति, पवित्र, पवित्र आग. And Moses, but the people wouldn't believe Moses, so he said, bring him out to this mountain. और मूसा नहीं, लोग मूसा का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उसने कहा उन लोगों को यहाँ पहाड़ पर ले आ. That morning the mountain was all full of fire and flashing and thunders like that, and the people said, don't let God speak, let Moses speak, lest we perish. उस प्रातः सारा पहाड़ आग से भरा हुआ था, बिजली और गर्जने इस प्रकार से, और लोगों ने कहा परमेश्वर ना बोले, मूसा ही बोले, कहीं ना हो कि हम नष्ट हो जाएं. God said, I'll not speak to him no more like this, but I'll raise him up a prophet, and I'll speak through him. What he says will come to pass, and you hear it, because I am with him. परमेश्वर ने कहा, मैं उनसे इस प्रकार से और बात ना करूंगा, परंतु मैं उनके लिए एक भविष्यद्वक्ता उठा खड़ा करूंगा, और मैं उसके द्वारा होकर बोलूंगा, और जो वो कहे घटित होगा, तब तुम उसकी सुनना, क्योंकि मैं उसके साथ हूँ. He spoke that. He said that it would come to pass. अब उसने ये बोला, उसने कहा कि ये घटित होगा. Look at this prophet Isaiah stand there, a man, intelligent man. A man was thought of well by the king because he lived with Uzziah the king, which was a great man, tried to take a preacher's place one time and went in, got smitten with leprosy. इस भविष्यद्वक्ता को देखें, यहाँ यशाया खड़ा है, एक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य, एक मनुष्य जिसके विषय में राजा के द्वारा सोचा गया, क्योंकि वह उज्जिया के संग रहा था, वो राजा जो कि एक महान पुरुष था, जिसने एक बार प्रचारक का स्थान लेने का यत्न किया और भीतर गया और उसे कोढ़ हो गया. और यही जो मैंने व्यापारियों को बताया, कभी भी प्रचारक का स्थान लेने का यत्न ना करो. नहीं श्रीमान, आप ठीक वहीं रहें जहां आप हैं, समझे? आप अपना काम करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा है कि आप करें. If you're a finger, you can never be an ear. If you're an ear, you'll never be a nose. Nose, eye. See, you stay in your position. यदि आप एक उंगली हैं, आप कान नहीं हो सकते. यदि आप एक कान हैं, आप नाक नहीं हो सकते. नाक या आँख, समझे? आप अपनी स्थिति में बने रहें. You heard that message the other day on the broadcast, trying to do God a service. आपने ये संदेश सुना है उस दिन उस प्रसारण में, परमेश्वर की सेवा करने का यत्न करना. David, anointed king, all the people shouting and screaming, it was right. But he never consulted God's prophet, and a man died, and the whole thing was marred. दाऊद अभिषिक्त राजा, सारे लोग चिल्ला और शोर कर रहे थे, ये ठीक था, परंतु परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से कभी परामर्श नहीं किया, एक व्यक्ति मर गया और सारा मामला गड़बड़ हो गया. Don't try to do God a favor. You wait till it's God's term. Let it come in His way of doing it. परमेश्वर का पक्ष लेने का यत्न ना करें, परमेश्वर की शर्तों की प्रतीक्षा करें, उसे उसी के मार्ग से होते हुए आने दें. I'll start this big thing, it'll do this. Be careful, brother. मैं इस बड़ी चीज को आरंभ करूंगा, मैं ये करूंगा, भाई ध्यान दें. Now, David knew better than that. Nathan was in the land in that day. He wasn't even consulted at all. See, he consulted captains of hundreds and thousands. अब दाऊद इससे अच्छा जानता था, नातान राष्ट्र में था उस दिन, उससे पूछा तक नहीं गया, बिल्कुल नहीं, समझे? उसने शतपतियों आदि से परामर्श किया. All the people shouted and screamed and danced and said they had all religious motion, but it wasn't in a line order of God's word, and it failed. सारे लोग चिल्लाए और शोर मचाया और नाचे, बजाए उसके पास सारी धार्मिक क्रियाएं थीं, परंतु ये परमेश्वर के वचन की पंक्ति में ना था, और ये असफल हो गया. Anything else is not in the line order of God's word will fail. Only God's word will stand forever. Heavens and earth will pass away, but not my word. कोई भी चीज परमेश्वर के वचन की पंक्ति में नहीं है, वो असफल हो जाएगी. केवल परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहेगा. स्वर्ग और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, परंतु मेरा वचन नहीं. Notice Isaiah, that intelligent young man standing there. All at once the spirit hit him. He couldn't say it was different. He was a prophet. ध्यान दें,
यशाय वो बुद्धिमान पुरुष था वहां खड़ा था। अचानक से परमेश्वर के आत्मा ने उस पर प्रहार किया, वो अंतर नहीं बता सका, वो एक भविष्यद्वक्ता था। He said, Behold, a virgin shall conceive. Unto us a son is born, a child is born, a son is given. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. उसने कहा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हमारे लिए एक पुत्र जन्मा, एक बालक जन्मा, एक पुत्र दिया गया, उसका नाम सलाहकार, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, सदा काल का पिता। The end of his government shall be upon his shoulders, and the end of it, there shall be no end to his reign. आखिर में उसका राज्य उसके कंधे पर होगा, अंत का उसके राज्य का अंत ना होगा। How could that man intelligently say that a virgin would conceive? वो बुद्धिमान मनुष्य कैसे कह सकता था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी? Everybody look for it. It's done been spoke. It was thus saith the Lord. It had to come to pass because it was God's word. हर किसी ने उसकी प्रतीक्षा की, वो बोल दिया गया था, ये यहोवा यूं कहता था, उसे होना ही था क्योंकि ये परमेश्वर का वचन था। Same as it was in Genesis. When he planted them seeds down beneath the sea, where it was without form and void and water up on the deep. It had to come to pass. वैसे ही जैसे ये उत्पत्ति में था, जब उसने उन बीजों के नीचे सागर में नीचे बोया, जहाँ ये बिना आकार और शून्य था और गहराई के ऊपर जल था, समझे, इसे घटित होना ही था। One day, 800 years later, the womb of a virgin conceived the seed of God, a created seed. She brought forth the son. और एक दिन 800 वर्ष के बाद कुंवारी के गर्भ में परमेश्वर का बीज गर्भित हुआ, एक सृष्टि किया हुआ बीज, उसने पुत्र उत्पन्न किया। That same son stood there one day. He said, Lazarus, come forth. A man had been dead 4 days, the rottenness nose fell in stunk. He came forth. वही पुत्र एक दिन वहां खड़ा हुआ, उसने कहा, लाजर बाहर आ, और वो मनुष्य जो 4 दिन से मरा हुआ था, सड़ा हुआ था, उसकी नाक गिर गई थी, बदबू, वो बाहर आया। Said, marvel not at this, for the hour is coming. Amen. When all that's in the grave will hear the voice of the Son of God. कहा, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है, आमीन, जितने कब्रों में हैं वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे, परमेश्वर के पुत्र का। It's done been spoke, it has to come. There's going to be a rapture. Oh my. इसलिए ये बोला जा चुका है, इसे इसी प्रकार होना है, उठा लिए जाना होने वाला है, ओह प्रभु। I remember just my last message in California where I thought I'd never go back again. When I predicted Los Angeles will go beneath the ocean, thus saith the Lord, it will. मुझे स्मरण है कैलिफोर्निया में मेरा अंतिम संदेश, जहाँ के लिए मैंने सोचा था मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाऊँगा, जब मैंने ये भविष्यवाणी की, लॉस एंजलिस समुद्र के नीचे चला जाएगा, ये यहोवा यूं कहता है, है ये होगा। She's done, she's washed, she's finished. What hour, I don't know when, but it will be sung. वो समाप्त हो गया, वो साफ हो गया, वो नष्ट हो गया, किस घड़ी मैं नहीं जानता कब, परंतु ये डूब जाएगा। ठीक भूकंप के बाद हिलेगा और गिर पड़ेगा। Remember many of you men stand right there, that rock that day when that angel came down there and that light and fire falling from the heaven around the rock where we're standing there. स्मरण रखें, आप में से बहुत से यहाँ खड़े हैं, वो हिला उस दिन जब सरदूत यहाँ नीचे आए और वो बिजली और आग आकाश से गिरी उस चट्टान के चारों ओर जहाँ हम खड़े थे वहाँ। Rocks flying out of the mountains and falling across her, she blasted 3 times hard. I said, judgment will strike the west coast. 2 days after that, Alaska almost sunk. पहाड़ पर से पत्थर उड़ने लगे और वहाँ दूर दूर गिरे, वहाँ 3 बार जोर से धमाका हुआ। मैंने कहा, पश्चिमी किनारे पर न्याय आएगा, उसके 2 दिन बाद अलास्का लगभग डूब गया था। Remember that same God that said that, said Los Angeles is doomed. And she's finished. I don't know when, I can't tell you. याद रखें उसी परमेश्वर ने जिसने ये कहा कि कहा लॉस एंजलिस नष्ट हो गया और वो नष्ट हो गया, मैं नहीं जानता कि कब, मैं ये आपको नहीं बता सकता। I didn't know who said that. This brother here, I believe, was no one of the Mosleys, I believe, had me out on the street out there. मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, परंतु ये भाई यहाँ पर है, मैं विश्वास करता हूँ कि था, नहीं, मोजले का एक, मैं विश्वास करता हूँ वहाँ मेरे साथ सड़क पर था।
I didn't know what it was to look back now. I looked back in the scripture and Jesus said, Capernaum, Capernaum, how you have exalted yourself, brother, up into heaven shall be brought down into hell. For if the mighty works have been done in you, that have been done in Sodom, it stood today. मैं नहीं जानता था कि ये क्या था जब तक मैंने घूम घूम कर नहीं देखा था। मैंने वचन पलट कर देखा और यीशु ने कहा, कफरनहूम, कफरनहूम, कितना चाहा तू जो अपने को ऊंचा उठाता है, बल्कि स्वर्ग तक तू अधलोक तक नीचा किया जाएगा। क्योंकि जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि साधुओं में किए जाते तो आज तक बना रहता। Capernaum is in the water too today. और वहाँ से लगभग 150 वर्षों बाद सादोम पृथ्वी में समा गया, फिर कफरनहूम भी जल में समा गया आज। And that same spirit of God that said all these things and done all these things, it said there, O city Capernaum, who called yourself by the name of the angels, Los Angeles. और परमेश्वर का वही आत्मा जिसने कहा कि ये सारी चीजें और ये सारी चीजें की, इसने वहां कहा, ओ कफरनहूम नगर, जो अपने आप को स्वर्गदूतों के नाम से कहलाता है, लॉस एंजलिस। How you've exalted yourself into heaven, the very root and seat of Satan. See? You've exalted yourself. तू कैसे अपने आप को स्वर्ग तक ऊंचा किया, वही जड़ और शैतान की गद्दी, देख तूने अपने आप को ऊंचा किया। Preachers, it's a graveyard for them. Good men go there and die like rats. What have it? प्रचारकों, ये उनके लिए कब्रिस्तान है। अच्छे लोग वहाँ जाकर चूहे के समान मरते हैं, क्या ही विनाश है। You that call yourself by the name of the angels, if the mighty works that have been done in Sodom have been done in you, it's still today, but your hour's come. तू जो अपने को स्वर्गदूतों के नाम के द्वारा कहलवाता है, यदि वे सामर्थी काम सादोम में किए जाते जो तुझ में किए गए, तो वो आज वो खड़ा होता, परंतु तेरी घड़ी आ पहुँची है। You watch and see if it ain't I'm a false prophet. There she is, she's laying there. आप ध्यान दें और देखें, यदि ये नहीं है तो मैं झूठा भविष्य देखता हूँ, समझे? वो वहाँ पर है, वो नगरी वहाँ पड़ी है। I remember that night, before I seen the preview of the bride. I stood there and seen a beautiful little lady just correctly dressed and things marching this way. मुझे वो रात्रि स्मरण है, इसके पहले मैंने उसे देखा, मैंने दुल्हन का पूर्व दृश्य देखा, मैं वहाँ खड़ा हुआ और उस सुंदर महिला को देखा, बिल्कुल ठीक वस्त्र पहने हुए और चीजें इस ओर बढ़ रही है। Somebody standing by me in the vision, and I seen that said the preview of the bride. I seen her go by. They come on this side and went around. वहाँ दर्शन में कोई मेरे पास खड़ा था और मैंने देखा, उन्होंने कहा दुल्हन का पूर्व दृश्य, मैंने उसे पास से निकलते हुए देखा, वे इस ओर से आए और घूम कर निकल गए। I heard it coming up, the church is coming up from this other side. There come the Asian church. Oh, you talk about filth. Here come the European church. Oh my. मैंने उसे आते सुना, कलीसियाएं उस ओर से आ रही थीं, वहाँ एशिया की कलीसिया आई। ओह, आप गंदगी की बातें करते हैं, यहाँ यूरोप की कलीसिया आती है, ओह प्रभु। And then I heard a rock and roll coming, and it was Miss America, the church, and she didn't even have on any clothes. और फिर मैंने रॉक एंड रोल की आवाज आते सुनी, और कुमारी अमेरिका थी, कलीसिया, उन्होंने तो कपड़े ही नहीं पहने हुए थे। She had papers, like newspapers, gray, hold in front of her, dancing by rock and roll, Miss America, the church. उनके पास अखबार के से कागज थे, सिलेटी रंग के, जिन्हें अपने सामने लगा रखा था, नाच रहे थे, रॉक एंड रोल, कुमारी अमेरिका की कलीसिया। I stood there in his presence. I thought, oh God, as a minister, if that's the best we could do, oh, you know how you feel. उसकी उपस्थिति में खड़ा हुआ था, मैंने सोचा, ओह परमेश्वर, यदि एक सेवक के समान मैं यही कर सका जो सबसे अच्छा है, ओ आप जानते हैं कि आपको कैसा अनुभव होता है। तब मैंने सोचा, परमेश्वर मुझे छिपा ले, यदि मैं यहाँ से चला जाऊँ, यदि यही सब कुछ जो हमने किया है और यही जो हमने उत्पन्न किया है, यही है। And then when them women passed by, all doing all kinds of rocks and things and short hair and painted faces, and as they passed by like that, supposed to be virgins to Christ. और फिर जब वे स्त्रियां निकल गईं, वे सब जो इस प्रकार का कर रही थीं, और छोटे कटे बाल, रंगे हुए मुंह, और जैसे ही वे इस प्रकार से निकले, जिन्हें मसीह के लिए कुंवारी होना चाहिए।
And when she passed by like that, I turned my head, you know, with this hole in front of me is disgraceful, the back of them. और जब वो इस प्रकार से निकली, मैंने अपना सर घुमाया और आप जानते हैं इसको मेरे सामने की ओर पकड़े हुए थे, ये बहुत ही अशोभनीय था उनकी पीठ की ओर। And there they was going like that, and I turned my head to weeping like that. I said I couldn't stand it there. और वहाँ वे इस प्रकार से जा रहे थे और मैंने अपना सिर घुमाया कि रोऊं इस प्रकार से, और मैंने कहा मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकूंगा। वो वहाँ खड़ा है मैं ये जानते हुए कि मैं कलीसिया का सेवक हूँ और यही जो मैंने उसके लिए तैयार किया। मैंने कहा ओह परमेश्वर, मैं इसे नहीं देख सकता, मुझे मर जाने दे, मुझे यहाँ से ओझल हो जाने दे इस प्रकार से। और जैसे ही ये सब चला गया, हर बार उनमें से एक आएगा, वे एक निश्चित स्थान में जाएंगे और गिर पड़ेंगे। जैसे ही वे गए, मैंने उनकी आवाज को सुना। Then I heard something like onward Christian soldiers. And I looked, here come that sainted bunch of little girls, just exactly the way they was, all correctly dressed, their hair hanging way down in their back. तब मैंने ऐसा कुछ सुना, मसीही सिपाहियों आगे बढ़ो, मैंने देखा और यहाँ छोटी लड़कियों का पवित्र किया हुआ झुंड, ठीक जिस प्रकार वे थे, सब सही कपड़े पहने हुए, उनके बाल उनकी पीठ पर लटके हुए। Smooth, clean, marching like this to the step of the gospel. She was the word. साफ सुथरे इस प्रकार से चल रहे थे सुसमाचार के कदमों पर, वो वचन थी। They looked like one out of every nation. I was looking at it as they passed by. And seen them pass by, instead of going down, they started going up. वे ऐसे लग रहे थे जैसे हर राष्ट्र से हो। मैं उनको वहां से निकलते हुए देख रहा था, बजाय इसके कि वे नीचे की ओर जाएं, उन्होंने ऊपर की ओर जाना आरंभ कर दिया। I noticed one of them trying, two, three of them trying to get out of line. I screamed, "Stay in line!" And the vision left me, and I was standing in this room screaming, "Stay in line!" Line that. मैंने ध्यान दिया उनमें से एक कोशिश कर रहा था, दो या तीन कोशिश कर रहे हैं कि पंक्ति से बाहर निकल जाएं। मैं चिल्लाया, पंक्ति में रहो, और दर्शन समाप्त हो गया और मैं कमरे में खड़े हुए चिल्ला रहा था, पंक्ति में रहो, पंक्ति। Wonder, could it be already passed? Could the bride already be called? Is that what we're going through today? आश्चर्य, क्या ये पहले ही बीत चुका, क्या दुल्हन पहले ही बुलाई जा चुकी है? यही है जिसमें होकर हम आज इसमें होकर निकल रहे हैं। She has to be molded and made into the image of Christ, and Christ is the Word. That's the only thing. उसे ढलना ही है और मसीह की छवि में बनना है, और मसीह वचन है, केवल यही बात है। See, it's in there, in the Word. It's just. See, there cannot be one thing added. It can't be a woman with a one hand like a man and the other hand with a paw like a dog. समझे, ये वहाँ पर है वचन में, ये समझे, इसमें एक भी चीज नहीं मिलाई जा सकती। ये नहीं हो सकता जिसका एक हाथ पुरुष के समान हो और दूसरा हाथ कुत्ते के पंजे के समान हो। It's got to be exactly the word of the Lord, like he is the word. इसे ठीक प्रभु के वचन के समान होना है जैसा कि वो वचन है। The bride is a part of the bridegroom. The woman is a part of her husband because she's taken out of the husband. दुल्हन दूल्हे का भाग है, स्त्री अपने पति का भाग है, क्योंकि उसे उसके पति में से निकाला गया है। Eve was a part of Adam from his side, and so is the bride, not taken from a denomination, but taken from the bosom of the Word of God for this day, the rapture. हवा आदम का भाग उसकी एक ओर से थी, और ऐसे ही दुल्हन नामधारी में से नहीं ली गई, परंतु परमेश्वर के वचन की छाती में से ली गई इस दिन के लिए उठा लिया जाना। The trumpet of the Lord shall sound; the dead in Christ shall rise. And the glory of his resurrection share, when the chosen ones shall gather to their home beyond the sky, when the rolls call up on her, let's all try to be there, friends. प्रभु की तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में मरे हुए जी उठेंगे, और उसकी पुनरुत्थान की महिमा के भागी जब चुने हुए अपने घरों में जमा होंगे आकाश के उस पार, जब वहाँ नाम पुकारे जाएं, आइए हम सब वहाँ होने का यत्न करें मित्रों। God bless you. It's been spoken. It has to come to pass. It will come to pass. परमेश्वर आपको आशीष दे। ये बोल दिया गया है। इसे घटित होना ही है। ये घटित होगा। And little people, no one wants to die.
No one wants to be lost. और छोटे लोगों, कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी नष्ट नहीं होना चाहता है। Let me tell you, whatever you do, I don't care how well you go to church and how loyal you are to church, that's fine. Nothing against that. You should go to church. You do that. Keep on going to church. मैं आपको बता दूं, आप जो भी करते हैं, मैं चिंता नहीं करता कि आप कितनी अच्छी तरह आराधनालय जाते हैं, आप कलीसिया में कितने ईमानदार हैं, ये अच्छा है, इसके विरोध में कुछ नहीं। आपको आराधनालय जाना चाहिए, आप यह करते हैं, कलीसिया में जाते रहें। But whatever, just throw away your traditions and move right on up into Christ, because it's going to sound one of these days, and you're going to be caught with the mark of the beast on you, and not know what it is until it's too late. That's exactly right. परंतु जो कुछ भी है, अपने रीति रिवाजों को हटा दें और सीधे सीधे मसीह में बढ़ते जाएं, क्योंकि ये इन्हीं किन्हीं दिनों में आवाज देगा और आप पशु की छाप के साथ पकड़े जाएंगे और मालूम नहीं पड़ेगा कि ये क्या है जब तक कि अधिक देर ना हो जाए। ये बिल्कुल ठीक बात है। God bless you. I'm sorry to have kept you. And remember, I've kept them too long here. That's right. परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझे खेद है कि आप लोगों को रोके हुए हूँ, और याद रखें, मैंने उन्हें लंबे समय से रोका हुआ है, ये ठीक बात है। In the offering that you've taken from me, which I did not ask you to do that, brother, that's courtesy. Take that and pay this motel the overtime cause I kept it. और भेंट जो आपने मेरे लिए ली है, जिसे लेने के लिए मैंने नहीं कहा, मेरे भाई, ये मेरा शिष्टाचार है, ये लेना और इसे मोटल का भुगतान और समय से अधिक, क्योंकि मैंने इसे रोक कर रखा है। I just had a few things here. I got about 8 or 10 more pages on that rapture there, but I just didn't have time to give it. God bless you. Do you love the Lord Jesus? मेरे पास यहाँ कुछ थोड़ी सी चीजें थीं। मेरे पास उठा लिए जाने के विषय में लगभग 8-10 पन्ने और थे, परंतु देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप प्रभु से यीशु से प्रेम करते हैं? Let's just stand still just a minute now, quietly, reverently, and remember what I've said. Remember, we're in the last hours. अब हमें एक मिनट के लिए शांत खड़े हो जाएं, शांति और आदर के साथ, और जो मैंने कहा उसे याद रखें। याद रखें कि हम अंत की घड़ियों में हैं। These nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. ये राष्ट्र टूट रहे हैं, इज़राइल जाग रहा है, वे चिन्ह जो बाइबल ने पहले से बताए, अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं, दबे हुए हेंगे के साथ, ओ पिछड़े हुओ, अब अपनों में लौट आओ। The day of redemption is near, man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. छुटकारे का दिन निकट है, मनुष्यों के हृदय भय से रुक रहे हैं। आत्मा से भर जाओ, अपने चिराग छांट लो और साफ कर लो, ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा निकट है। You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. आप जानते हैं क्या, झूठे भविष्यद्वक्ता झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर के सत्य का वे इनकार कर रहे हैं। We know that all is true, don't we? हम जानते हैं कि ये सब सत्य है, क्या हम नहीं जानते? I love मैं उससे him. प्रेम करता हूँ, मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा। उस कैलवरी के वृक्ष पर। कितने उससे वास्तव में प्रेम करते हैं, अपने हाथ उठाएं। Now, I want you, while we sing this again, shake hands with somebody near you. Say, God bless you, pilgrim. God, we are pilgrims, aren't we? Pilgrims and stranger. अब मैं चाहता हूँ कि आप, जबकि हम या ये फिर से गा रहे हैं, तो जो आपके पास है उसे हाथ मिलाएं, कहें,
यात्री परमेश्वर आपको आशीष दे। हम यहाँ तीर्थ यात्री और परदेशी हैं। मैं उससे प्रेम करता हूँ। यही है टेबल के उस पार। मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे उद्धार को खरीदा उस कलवरी के वृक्ष पर। You want to make the rapture? Amen. How many is interested in making the rapture? Say, God, I want to make it with all my heart. क्या आप उठा लिए जाने को तैयार करना चाहते हैं? कितने उठा लिए जाने में रुचि रखते हैं? कहें, परमेश्वर, मैं अपने पूरे हृदय से बनना चाहता हूँ। Oh, to God's unchanging hand. You know the song? You know it, sister? Hold to God's unchanging hand. I don't know what's it in, Brad. परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लें। आपको ये गाना आता है, बहन? आप जानती हैं, परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को पकड़ना। मैं नहीं जानता क्या इसमें क्या है इसके लिए। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लो। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लो। अपनी आशाएं अनंत चीजों पर बनाए। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम लेना। आपको ये पसंद है? जब हमारी यात्रा पूरी हो जाए, यदि आप परमेश्वर के लिए सच्चे रहे हैं, पवित्र और चमकदार आपका घर महिमा में है, आपका प्राण आप में से इसे देखेगा। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम ले। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम ले। अपनी आशाएं अनंत चीजों पर रखें। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम ले। मैं चाहता हूं अब आप अपने सिरों को एक क्षण के लिए झुकाएं। संसार के बेकार के धन का लालच ना करें, जो कि जल्द ही सड़ जाता है। स्वर्गीय धन की खोज करो, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम ले। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम ले। अपनी आशाएं अनंत चीजों पर रखें। परमेश्वर के ना बदलने वाले हाथ को थाम ले। Your heads bowed in this in mind, knowing that we are bowing our heads to the dust from which we were brought, someday we'll return. Knowing that you got a soul in there that has to answer to God. अपने झुके हुए सिरों के साथ विचारों में ये जानते हुए कि हमने अपने सिरों को मिट्टी की तरफ झुका रखा है, जिसमें से कि हमें निकाला गया है। किसी दिन हम इसी में वापस चले जाएंगे। ये जानते हुए कि आपके पास एक प्राण है, उसमें आपको परमेश्वर को उत्तर देना है। और यदि आप ये अनुभव करते हैं कि आप अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, उस उठा लिए जाने के लिए, यदि वो आज रात्रि हो और आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना में याद रखा जाए,
तो अपने हाथ उठाएं। We have no place to make an altar call. Your altar's in your heart anyhow. Raise your hand. God bless you. You. My. हमारे पास वेदी पर बुलाहट देने के लिए स्थान नहीं है। आपकी वेदी आपके हृदय में है, जो भी है अपने हृदय अपने हाथ उठाएं। परमेश्वर आपको 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 आशीष दे। ओ प्रभु, feel that I'm not ready, Brother Branham. I really want to be a Christian. I've tried to be, but there's always something missing. I know that I'm just not where I should be. Have mercy, God. I raise my hand. Be merciful to me. अनुभव करते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ, भाई ब्रैनम। मैं वास्तव में मैं मसीह होना चाहता हूँ। मैंने होने का यत्न किया, परंतु हमेशा कुछ कमी रही। मैं ये जानता हूँ कि मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। परमेश्वर दया करे, मैं अपना हाथ उठाता हूँ, मुझ पर दयावान हो। अब कुछ 20 या 30 हाथ उठे हुए हैं पहले ही इस छोटे झुंड में, और भी उठ रहे हैं। Dear God, you know what's behind that hand down there under the heart. I pray, dear God, there's only one thing I'm responsible for. That's to tell the truth. प्रिय परमेश्वर, आप जानते हैं कि इन हाथों के पीछे क्या है, नीचे उनका हृदय। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, केवल एक चीज है जिसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ, कि मैं सत्य बताऊँ। And dear God, they want to be saved. They want to really. They don't want this something. It's just some emotion, some workup, some denominational system, some creed, some dogma that's been added. और प्रिय परमेश्वर, ये लोग बचना चाहते हैं। ये लोग वास्तव में चाहते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं चाहते कि कुछ भावनाएं नहीं चाहते, कुछ काम चलाओ, कुछ नामधारी की पद्धति, कोई मतसार, कोई सिद्धांत मत जो जोड़ दिया गया हो। They understand, Father, that it takes a pure, unadulterated word of God. Everything else will pass away, even heavens and earth, but it won't. पिता, ये समझते हैं कि इसके लिए विशुद्ध बिना मिलावट का परमेश्वर का वचन चाहिए। हर चीज समाप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी भी, परंतु ये नहीं। If we be that word, the earth will pass from beneath us, but we can never pass away because we are that word, the bride of the groom. और यदि हम ये वचन हो जाए तो पृथ्वी हमारे नीचे से नष्ट हो जाएगी, परंतु हम नहीं नष्ट होंगे, क्योंकि हम वचन हैं, दूल्हे की दुल्हन। I pray for each one that you will grant to them, Father, as my sincere prayer. मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें स्वीकार करेंगे, पिता। ये मेरी सच्ची प्रार्थना है। And excuse me, Father, for being so nervous tonight, jumping up here late and being shaky and saying words broke up and cut up. और मुझे क्षमा करें, पिता, कि आज रात्रि इतना अधीर हूँ, यहाँ देर हो रही है और अस्थिर टूटे हुए शब्द बोल रहा हूँ और आधे अधूरे। Somehow another great Holy Spirit, splice them together in your own divine way and deliver them to the hearts of the people from my heart and the motive and the objective that in my heart I have towards it. Won't you, Lord? जो जैसा भी है, महान पवित्र आत्मा, इन सबको अपने दिव्य मार्ग से होते हुए जोड़ लें और इनके हृदयों को मेरे हृदय से होते हुए इन लोगों को प्रदान कर दें। मेरे हृदय में जो उद्देश्य और विषय निष्ठा है, मेरी आपकी ओर है। क्या आप प्रभु आप नहीं करेंगे? And save which can be saved. Draw to you, Lord, and may we be ready for that rapturing hour that's soon at hand. For I ask it in Jesus' name, amen. और उन्हें बचा लें जो बचाए जा सकते हैं, अपने पास खींच लें प्रभु, और उन्हें पाए हम उस उठा लिए जाने वाली घड़ी के लिए तैयार हो जाएं, जो कि बहुत ही निकट है, क्योंकि मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। God bless you now, the chairman of the convention. परमेश्वर आपको आशीष दे, अब बेदारी के अध्यक्ष।